न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साम। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिरसा नगर में तैयार हो रहे हाउसिंग सोसाइटी में बन रहे फ्लैट्स में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने रविवार को औचक निरीक्षण करते हुए अनियमितता और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जमशेदपुर में किफायती आवास परियोजना प्लस 8 संचालन के अनुरूप 32 ब्लॉक में कुल 9592 आवास का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें अब तक 7372 आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में 3836, दूसरे चरण में 834 लाभुकों और तीसरे चरण में 696 लाभुकों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन की दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वहीं आवास यानी कि फ्लैट का निर्माण कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा है। इनमें से कुछ को दीपावली तक गृह प्रवेश कराने का लक्ष्य स्थानीय प्रशासन ने तय किया था, लेकिन अब इस परियोजना में गड़बड़ी और भारी अनियमितता सामने आई है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से यह एक योजना गरीबों को अपना मकान दिलाने के लिए लक्षित है। वैसे लाभुक जिन्हें लॉटरी में आवास आवंटित हो चुकी है, वो लगातार निर्माण की गुणवत्ता पर शिकायत कर रहे थे। लाभुकों एवं स्थानीय भाजपा नेताओं के आग्रह पर पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने रविवार को स्थानीय भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं संग निर्माण स्थान का औचक निरीक्षण किया। रविवार को बिरसा नगर में निर्माणधीन पीएम आवास के औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आए हैं। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले निर्माण में इस्तेमाल हो रही घटिया क्वालिटी के काले ईंटे और दोयम दर्ज के निर्माण सामग्रियों पर सवाल उठाते हुए कुणाल सांडगी ने मौके से ही उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार को अवगत कराया और कार्रवाई का आग्रह किया। इसके साथ ही ठेकेदार द्वारा वर्क ऑर्डर और BOQ के मानदंडों को बदलकर अपने मन मर्जी से निर्माण कार्य पूरा करने की शिकायत सामने आई है। निरीक्षण के क्रम में कुणाल सांडगी ने कुछ फ्लैट का अवलोकन भी किया है, जिसमें कई खामियां देखी गई हैं। निर्माण में खराब क्वालिटी के ईंटों के प्रयोग के अलावा बड़ा भ्रष्टाचार यह था कि दीवारों पर बगैर प्लास्टर की ही पुट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया गया है। आनंद फानन में फ्लैट का काम पूरा करने की होड़ से संबंधित ठेकेदार ने बड़े स्तर पर गड़बड़ी को अंजाम दिया है। बगैर प्लास्टर के फ्लैट की दीवारें कितनी मजबूत होगी यह सोचनीय है। मौके पर ही ठेकेदार के प्रतिनिधि ने बताया कि बगैर प्लास्टर के काम करने की अनुमति जुडको द्वारा मिली है। उसने बताया कि दीवारों में क्रैक नहीं हो इसके लिए प्लास्टर नहीं किया जा रहा है। फौरन ही यह झूठ तब उजागर हो गई जब पूर्व विधायक ने सवाल किया कि क्या इसकी लिखित अनुमति जुडको ने संवेदक को दिया है। इसके जवाब में ठेकेदार के प्रतिनिधि ने बताया कि कोई भी लिखित अनुमति नहीं है। मौके से ही कुणाल ने JNSC के विशेष पदाधिकारी को कॉल किया और इस असहाय में सवाल किया। विशेष पदाधिकारी ने भी ठेकेदार के प्रतिनिधि के दावों को गलत बताते हुए जाँच कराने की बात कही। कुणाल ने मांग किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार द्वारा पलीता लगाने में जुटे लोगों पर जांच उपरांत नियम संगत कार्रवाई होनी चाहिए। मांग किया गया कि लापरवाही संवेदकों को अविलंब ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाए। कुणाल सांडगी ने उपायुक्त से स्वयं पीएम आवास निर्माण का औचक निरीक्षण करने का आग्रह किया ताकि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मतलब JNSC को इसकी जानकारी है? इंचार्ज कौन है इसका? जुटको है, JNSC है? मैंने JNSC सुपरविजन करता है, जुटको JNSC सुपरविजन करता है ना, इसका मतलब JNSC को ये अप्रूव्ड है JNSC के हिसाब से? जुटको से हमने अप्रूव करा है, JNSC उसको जानकारी देगा सर। हाँ, तो मेरा बोलते कि JNSC इसका रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नोडल बॉडी है, तो उसको पूछने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे अलाउड है कि नहीं, है कि नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में चलाई जा रही है, जिससे लाखों लोगों को घर का लाभ मिल चुका है, ज़रूरतमंद लोगों को, वैसी योजना आज यहाँ बिरसा नगर में
जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर PMAY योजना के तहत घर बन रहे हैं। कई ऐसे लाभुक हैं जिनको घर यहाँ आवंटित हुआ है, उन लोगों ने अपनी समस्या बताई थी कि यहाँ पर बहुत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, बिना प्लास्टर किए सीधे उस पर प्लास्टर ऑफ पैरिस मारकर दीवारों को चमकाने का काम किया जा रहा है, तो आंतरिक तौर पर दीवारें बहुत कमज़ोर बन रही हैं। उसको देखने के लिए आज जब हम लोग यहाँ पर साइट पर आए तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि शहर के बीचों बीच स्थित इस इलाके में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतने महत्वाकांक्षी योजनाओं को किस तरह धरातल पर जो सही अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए उस पर कितनी उदासीनता यहाँ विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा बरती जा रही है। मैंने उपायुक्त महोदय को और जो स्पेशल ऑफिसर है JNSC के, दोनों को इसकी शिकायत की है और आग्रह किया है कि वो जाँच कर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो ज़रूरतमंदों को यहाँ घर मिलने वाला है उन्हें जो घर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो घर उन्हें मिल पाए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।